5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. Hence means बाद में, ठीक है. तो 5 साल के बाद जेकोब की जो एज है 3 टाइम्स है, 3 गुना है अपने बेटे की एज की. और 5 years अगो मतलब 5 साल पहले जेकोब की एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है. जेकोब की जो एज है वो 5 साल पहले 7 टाइम्स है अपने बेटे की एज की. तो उसकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी, उसकी जो वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्वेश्चन को आगे. तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स, ठीक है. ऐसी प्रेजेंट एज हम किसकी मान लेंगे, जेकोब की. तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब ये हो जाएगा वाई. अब क्या करना है इसमें, आफ्टर 5 ईयर्स क्वेश्चन में कहा है कि 5 साल के बाद उनकी आयु एज जो है 3 टाइम्स है उसके बेटे की एज की, ठीक है. जेकोब की आयु जो है बेटे की एज की 3 टाइम्स है. तो क्या करेंगे, आफ्टर 5 ईयर्स के बाद जो है इसकी बेटे की एज क्या होगी, सन की एज. आफ्टर 5 ईयर्स के बाद सन की एज क्या होगी, एक्स प्लस 5. और जेकोब की एज क्या होगी, y प्लस 5. अब क्वेश्चन में बोला है कि जेकोब की एज जो है सन की एज की 3 टाइम्स है. तो ये जेकोब, ये सन, ये इसकी 3 टाइम्स है. तो 5 साल के बाद जेकोब की एज क्या है, y प्लस 5 है, ओके. और सन की एज क्या है 5 साल के बाद, x प्लस 5 है. अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक. तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 5 इसे 3x प्लस में 15 करेंगे. यहाँ दिया 3x प्लस का y करा के इसका हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा. 5 प्लस का 15 करा के माइनस का 15 हो जाएगा. 15 में से 5 जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस 10 जिसे 3x माइनस y. इक्वेशन नंबर 1. अब क्वेश्चन बोला कि 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो, तो 5 साल पहले इनकी एज क्या होगी. तो सन की एज होगी 5 साल पहले एक्स माइनस 5 और जेकोब की एज होगी वाई माइनस 5. दोनों में से 5-5 साल घटा देंगे क्योंकि 5 साल पहले की बात पूछी गई है. तो 5 साल पहले बोला गया है कि जेकोब की एज जो है 7 टाइम्स है अपने बेटे की एज की. तो जेकोब की एज क्या है, वाई माइनस 5 है. बेटे की एज क्या है, एक्स माइनस 5 है. तो बेटे की एज की क्या है, 7 टाइम्स है. तो वाई माइनस 5 दिया हुआ है. इसको सब मल्टी करेंगे 7x आएगा, 7 × 5 = 35 होता है. 7x प्लस का वाई इधर किसका जाएगा, माइनस का जाएगा, माइनस 5. माइनस 35 वैल्यू आगे प्लस की हो जाएगी 35. अब दोनों को लेस कर देंगे, दोनों को लेस करेंगे 35 में 5 जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर 30. दिस इज 7x माइनस 5. इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, इक्वेशन बनाने में अगर प्रॉब्लम होती है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कोई ये तरीका यूज कर सकते हैं. जैसे इसमें बोला था जेकोब, जेकोब की एज जो है 3 टाइम्स है किसकी, अपने बेटे की एज की. तो मैंने जेकोब को लिख दिया, यहाँ पे उसका सन लिख दिया. तो जेकोब की एज जो है अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स है. तो 3 से मैंने उसकी बेटे की एज को मल्टी कर दिया. तो 5 साल के बाद की बात पूछा तो मैंने 5 साल की एज लेके मैंने क्या करते, इसको मल्टी कर दिया. जिन बच्चों को जो है क्वेश्चन बनाने प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा, वो बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं क्वेश्चन को समझ कर, ओके. अब हमारे पास 2 इक्वेशन है. पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस वाई इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2. हम पहली इक्वेशन को ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. तो यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10, ओके, माइनस 10. अब क्या करना है इसमें मैं, तो y को हम इधर ले आएंगे, माइनस का वाई जब इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा. और ये वैल्यू इधर लेके आएंगे माइनस का, माइनस 10 इधर लेके आएंगे तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी. तो ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी, 3rd. वाई की वैल्यू की 3x प्लस में क्या हो गई, 10 हो गई. अब ये वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है. इस वैल्यू को हम उठा के क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन पुट करेंगे. तो हम सेकेंड क्वेश्चन पुट करेंगे, यहाँ 3x प्लस 10y लिखा हुआ है, 3x प्लस 10 = y.
तो यहाँ लिखा है 7x माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू क्या निकली, वाई की वैल्यू 3x+10। यहाँ उठा के उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 3x+10 इक्वल टू में क्या दिया हुआ है हमें, 30 दिया हुआ है। अब 7x, अब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, माइनस का 3x प्लस का 10 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 3x, ब्रैकेट को ओपन करें तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस इक्वल टू में जाएगा 30 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7x में से अगर 3x हम घटाएंगे लेस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4x, फिर दिया यहाँ पर माइनस का 10 दिया हुआ है, माइनस 10 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 30 आ गया। अब 4x इक्वल टू 30, माइनस का 10 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 30 + 10 जो होता है 40 होता है, देन x इक्वल टू 40 बाई क्या हो जाएगा 4, इसको हम कैंसिल करेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो एक्स जो थी, एक्स जो हमने लेट किया था वो हमने सन की एज लेट की थी, तो सन की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी 10 ईयर्स होगी। अब हम इस 10 को क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 10 पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन को उठाकर हम क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन हमारे पास 3x+10, 3x+10 तो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसकी 10 आ जाएगी, प्लस में दिया है प्लस क्या लिखा है 10, यहाँ पे +10 आ जाएगा इक्वल टू वाई, 10 को 3 से मल्टी करेंगे 30 + 10 इक्वल टू वाई, 30 और 10 क्या होता है 40, तो वाई की एज हमने जो लेट की थी किसकी लेट की थी जेकोब की, तो जेकोब की एज जो प्रेजेंट एज जो निकली वो क्या निकली 40 ईयर्स निकली है, तो ठीक है। तो एक्स जो है उसके बेटे की सन की जो है प्रेजेंट एज है, और वाई जेकोब की एज, जेकोब की प्रेजेंट एज है। और आपको क्या करना है, आपको जो है 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 छह क्वेश्चन दिए हुए हैं, और छह के छह क्वेश्चन आपको क्या करना है मिस करना है, ठीक है। और इसके अलावा और आपको क्या करना है, 3.4 एक्सरसाइज करनी है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले से एलिमिनेशन मेथड को करना बताया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं विलोपन विधि बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर आपको एक दिया हुआ पूरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चन क्या है एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड है, मैंने आपको 3.3 की एक्सरसाइज करा दी है, ठीक है, उसमें जो है जितने भी एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन थे किस तरह से क्वेश्चन बनती हैं, तो उन क्वेश्चन को बनाना आपको सिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, आप 3.3 एक्सरसाइज को एलिमिनेशन मेथड से विलोपन विधि से सॉल्व करनी है आपको, ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करनी है आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर क्या करना है आपको 2 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन करना है आपको इसके, और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन को करके मुझे व्हाट्सएप क्या करना सेंड करना है।